सिख धर्म के पहले गुरु है धन धन श्री गुरु नानक देव जी, उनका आज गुरु नानक जयंती जैसे हम बताते हैं सबको, मगर गुरु नानक जी आज के दिन जन्म हुआ था, तो 551 मतलब 551वां जो जन्मदिन है उनका आज। जो गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के पहले गुरु थे, उन्होंने जो जात पात का खंडन किया, ऊंची जात में जन्म लेके फिर भी उन्होंने सबको एक बराबर समझा, मतलब सबको एक, खुद किरत करो वंड छको का जो उन्होंने नारा दिया है, मतलब जात पात का जो भेदभाव खत्म किया सबको एक बराबर समझा। जो हमारे गुरु है, जो गुरु जो वाणी लिखी हुई है गुरु नानक साहब, इसमें हर एक जात का इसमें लिखा हुआ है, मतलब वाणी दर्ज है। जैसे मुसलमानों से शेख फरीद जी की वाणी दर्ज है, कबीर जी की वाणी दर्ज है, और हिंदू में से जयदेव जी का वाणी शब्द है दर्ज है, भगत नामदेव जी का वाणी इसमें दर्ज है, गुरु रविदास जी का वाणी इसमें, भगत रविदास जी का वाणी इसमें दर्ज है। ये आप लोग अभी कहाँ पर कर रहे हैं? ये हम त्रिपुरा अगरतला में मना रहे हैं, साल भगवान परेंटी रहे 133 वाली BSF। तो हमने पूरा मतलब कोरोना को मतलब मुख्य रखते हुए भी तो प्रोग्राम तो किया, जैसे भी हमारे को आज्ञा मिली, पर फिर भी हमने पूरे धूमधाम से इस प्रोग्राम को मनाया। दिखा जा रहा है आप लोग लंगर खाना और वगैरह नहीं किया, किस लिए अभी इस स्थल के नहीं किया? मतलब ये सबको पता है कि जैसे कोरोना का चल रहा है, तो अगर लंगर वगैरह करते सबसे मतलब शुभाशाही होता, तो एक दूसरे से टचिंग होता है, इसलिए हमने इसको मुख रखते हुए ये लंगर का नहीं किया और खाली सिर प्रसाद ही बनाया, वो भी मतलब पूरी सेफ्टी के साथ उसका जो बर्ताव किया पूरी सेफ्टी के साथ किया। वहाँ पे अपने मुल्क में मनाना और यहाँ पे मनाना कैसा लग रहा है यहाँ पे? एक ही जैसा लगा है, क्योंकि सब भाई हमारा तो मेन उद्देश्य है कि सब मिलजुल के मनाए, जैसे हम वहाँ मनाते थे ऐसे भी हमने वहाँ यहाँ भी ऐसे ही मनाया है। सर आप सुना? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। थैंक यू।